में 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। करनाल नई अनाज मंडी में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के परिजनों, उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले समाज सेवियों, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। खाद्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला लिया गया वह देश हित में है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विकास कार्यों की भी सराहना की। समारोह में पहुंचने से पहले स्थानीय जिला सैनिक बोर्ड के कार्यालय के परिसर में स्थित युद्ध स्मारक पर जाकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सही देश पर आहुत होने वाले हजारों बलिदानों को हम हमेशा याद करते रहेंगे। देश के सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित अनेक राष्ट्रभक्तों की भूमिका को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया की इस प्राचीन संस्कृत भारत भूमि को आजाद हुए आज 72 साल हो चुके हैं। इस कालखंड में हमने आपने अनेक प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को परखा होगा, परंतु देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के त्याग, समर्पण एवं विकास के एजेंडे को भारतीय जनमानस ने पूरी तरह स्वीकार किया है। इसके फलस्वरूप इस बार उन्हें वर्ष 2014 में विशाल जन समर्थन प्राप्त हुआ है। श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबका विश्वास अर्जित करने में सफलता हासिल की है। उनकी दूरगामी सोच व प्रेरणामानी विचारों से प्रेरित होकर भारत की जनता स्वयं राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आई है। भाई और बहनों, भारत के इतिहास में ये स्वर्ण मत्सर रहा है कि जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण आज़ादी प्राप्त हुई है, धारा 340-370 की व्यवस्था के दुष्परिणाम को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसे समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लगाई इस धारा 370 को 70 वर्ष के बाद एक ही झटके में समाप्त कर दिया, वहाँ के लोगों को नया अवसर प्रदान किया है। इस फैसले ने श्री मोदी के कश्मीर में कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत होने की संकल्प को बल मिला है, जिससे देश में नव भारत के निर्माण को और अग्रसर हुआ है। आज न्यूज के लिए करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।